दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो मेरे खास उन दोस्तों के लिए होगी जिनका मन है कि हम एयरपोर्ट रोड पर रहें या एयरपोर्ट रोड के आसपास रहें, जहां से आपको कोई भी लोकेशन दूर ना हो। और जो आज हम घर देखने जा रहे हैं वो आपका बिल्डर फ्लोर रहेगा और साइज आपका जो रहेगा 200 से 250 गज के रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है 200-250 गज के अंदर, तो फ्लोर वाइज आपको मिलने वाला है। और इतना बताया तो अगर एयरपोर्ट रोड का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो एयरपोर्ट रोड जो है आपके घर से ही नज़र आने वाली है, तो बिल्कुल एक अच्छा एरिया, पॉश एरिया, जहाँ पर सराउंडिंग में आपको 500 से ज़्यादा 500 स्क्वायर यार्ड से 1000 स्क्वायर यार्ड तक के घर मिलने वाले हैं। तो एक अच्छी लोकेलिटी में आपका घर होगा जहाँ से अप्रोच आपकी हर लोकेशन के लिए बहुत ईजी रहेगी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बी आर पंजाब मॉल हो, या फिर इसके अलावा किसी भी लोकेशन पर स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारा साहब, या किसी भी लोकेशन पर अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे ईजी लोकेशन आपको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप पूरा देखिए, मिस मत कीजिएगा। और बता दूँ अभी मैं आपको जो लोकेशन दिखा रहा हूँ वो 250 गज की होगी, इसमें 200 गज भी अवेलेबल होगा। तो इसके अलावा और काफ़ी प्रॉपर्टीज आएंगे इसी डिज़ाइन के अंदर, तो मैं आपको सिर्फ एक ही शूट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और मज़े लीजिए आज। तो दोस्तों यह हमारा घर जो कि 250 गज के अंदर बना हुआ है, पूरा 10 मरले का प्लॉट है जिसपे हमारे ये फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स बने हैं, ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड। 30 फीट का फ्रंट है, तो 30 फीट का फ्रंट का मतलब यह आ गया कि आपकी 4 गाड़ियाँ तो यहाँ पर आराम से लग जाएंगी। उसके बाद जो हमारी रोड की विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है, बम्प दोनों तरफ मिलती हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छे फ्लोर्स हैं। फ्रंट की तरफ काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है आपका, पूरा बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन के साथ है। टाइल्स के वर्क आपको पूरा मिल जाएगा, फ्रंट बालकोनी जो रेलिंग है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील के साथ आपको जो है बिल्कुल ग्लास वर्क आपको मिलने वाला, टफन वाला। और ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आप देखिए यहाँ पर भी एक गेट दिया गया है जो एक सिक्योरिटी पर्पज के मतों से काफ़ी अच्छी चीज़ है। बढ़ते थोड़ा सा आगे तो हमें नीचे हमारे पास जो वाटर टैंक है वो काफ़ी अच्छा कैपेसिटी वाला मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी मिल रहेगी इन केस। वैसे यहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन केस अगर फ्यूचर में भी कभी पानी की प्रॉब्लम हो तो कभी प्रॉब्लम ना हो। और स्टेयर्स आपकी सारी ग्रेनाइट की रहेंगी, रेलिंग अभी लगनी यहाँ पर बाकी है, मैं आपको बनते बनते दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनते ही सेल हो जाती हैं। और ठीक किस तरफ कि एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट रहेगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप बिल्डर फ्लोर में ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि और कोई चीज़ आसपास नहीं आती। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है मेन एंट्रेंस डोर जो कि टीक वुड का है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है बिल्कुल देखिए, और वेट पॉलिश की गई है यहाँ पर, एक अच्छा डिज़ाइन पूरा दिया गया है। ये क्वालिटी होती है आपकी, जितनी भी आपकी जो वुड रहेगी वो सारी आपकी जो ये चौगाट होगी साल की रहेगी, और जितनी भी ये रहेंगी आपकी टीक की रहेंगी, एक अच्छी चीज़ क्वालिटी आपको पूरी घर के अंदर मिलने लगती है। और जैसे हम इसे खोलते हैं तो हमारे सामने एक शानदार सा ड्राइंग एरिया हमें यहाँ पर नज़र आ जाता है, काफ़ी अच्छा साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, आपको देखते ही समझ आ गया होगा। बिल्कुल 16 फीट की इसकी लेंथ रहेगी और 11 फीट की इसकी जो है विड्थ रहेगी, तो 16x11 एक अच्छा साइज़ हो जाता है। नीचे जितनी भी हमारे पास टाइल्स यहाँ पर लगी हैं सारी 4x4 वेटिफाइड टाइल्स हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया। आप देखिए जितने भी आपकी चौगाड़ यहाँ पर रहेंगी वो सारी हॉल की रहेंगी, एक अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है। सामने आपको जो विंडो पर आपको जो पेन मिलेगा यहाँ पर, यहाँ ग्लास आपको मिलता है वो एक अच्छी क्वालिटी का मिलता है, 6mm का आपको ग्लास सारी जगह मिलेगा यहाँ पर, एक अच्छी फिनिश के साथ। आप देखिए वेट पॉलिश यहाँ पर यूज़ की गई है, काफ़ी अच्छा एहसास आता है जब इसको हम देखते हैं। सीलिंग पर जो डिज़ाइन किया है बिल्कुल वुडन आपके जो है बीच में दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़, वुडन डिज़ाइन पूरा आपको यहाँ मिल जाता है, एलईडी लैंप्स आपको पूरे मिल जाते हैं यहाँ पर। और ठीक यहाँ सामने हमारा जो है डाइनिंग एरिया, जी हाँ, और डाइनिंग एरिया की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल डिफरेंट, आप काफ़ी बड़ा बड़ा स्पेस आपको हमें यहाँ मिल जाता है। आप ये लगा लीजिए कि यहाँ पर जो हमें डाइनिंग एरिया में स्पेस मिलती है बिल्कुल 17x11 की मिलती है, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। 17x11 का मतलब ये हो जाता है कि आप इजीली जो है अपना 8-सीटर भी अगर यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, और उसके बाद स्पेस ही स्पेस रहती है। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक देखें क्या बात है, ठीक है 17 फीट यहाँ से वहाँ तक, उसके बाद 16 फीट आगे, तो 11 फीट इधर 11 फीट उधर, क्या बात है, स्पेस ही स्पेस है, वाकई बहुत अच्छी स्पेस है। और ठीक अगर मैं इसके इस तरफ दिखाऊँ आपको, एक हमारी बड़ी सी किचन आ जाती है, जैसे बोलते हैं ना प्रॉपर मॉडुलर किचन, ये एक वैसी किचन आ जाती है आपकी,
काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और किचन की साइज़ की बात करूँ तो बिल्कुल 7 फीट की किचन आएगी, सॉरी 17 फीट की, 17x8 आपका जो साइज रहेगा। ऊपर प्रॉपर आपको जो ऑक्टा स्टोन मिल जाता है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, थोड़े से स्पार्कल्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, थोड़ा सा काम अभी यहाँ पर बचना बाकी है क्योंकि फाइनल टच भी होना बाकी है। ठीक इसके सामने जो है आपको एक अच्छा सा टाइल्स का जो डिज़ाइन है आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है कॉन्ट्रास्ट के अंदर। और ऊपर जो हमारे पास स्टोरेज है वो भी काफ़ी अच्छी है, हाइड्रोलिक्स यहाँ पर लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट से हैं, थोड़ा सा भी प्रेस करना नहीं पड़ता आपको, जोर नहीं लगाना पड़ता। और जितने भी आपको रैक्स यहाँ पर मिलेंगे वो पूरे प्रॉपर मिलेंगे, कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर किसी चीज़ की। तो हर ये जो है सॉफ्ट डोजेस के साथ है, सारी आपकी जो है टेस्ला प्लाईवुड यहाँ पर लगी हुई है, एक अच्छी गारंटी के साथ आपको चीज़ जो है यहाँ पूरी मिलती है। तो बड़े बड़े स्टोरेज होने का फ़ायदा एक ये हो जाता है कि आपके पास जो है जितने भी आपके जार्स हो या कुछ भी हो आराम से आता है। देखिए साइड में हमें जो आराम से अलग से आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिल जाती है, इजीली आपका माइक्रोवेव जो है इस जगह पर आ जाएगा, नीचे अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा, उसके नीचे आपके पास बकेट्स आपको यहाँ मिल जाती हैं, आप सब्जियाँ वगैरह रख से रख सकते हैं। उसके बाद एक अलमीरा आपको बड़ी सी मिल जाती है, तो आपकी स्टोरेज जो है वो कहीं पर कम नहीं होगी, पूरी रहेगी। सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ है, बड़े बड़े कैबिन्स हैं, आप जितना सामान रखना चाहते हैं उतना रखिए, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मटेरियल के साथ आपको चीज़ मिलती है। बड़ी किचन का एक फ़ायदा ये रहता है आपको कि हर चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, बड़ी सी खिड़की आपको यहाँ मिलेगी, जैगुआर की फिटिंग आपको यहाँ मिलेगी वो भी डिज़ाइन के साथ, बड़े बड़े सिंक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आप किचन में जो चीज़ रखना चाहते हैं वो सारी रख सकते हैं, हर चीज़ की प्रोविजन आपको यहाँ पर मिलेगी। एक बड़ा सा आप डबल डोर जो अलमीरा फ्रिज होता है वो यहाँ पर रखें, चिमनी की स्पेस आपको पूरी मिलती है, एग्जॉस्ट के लिए वहाँ पर ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी गई है, इसके अलावा गीज़र का पॉइंट रहेगा, आरओ का पॉइंट रहेगा, तो कुल मिला के जो है सामान आपका पूरा यहाँ पर इजीली आ जाएगा। और लास्ट एक चीज़ होती है जो सिलेंडर, वो भी आपका यहाँ पर आ सकता है, इसलिए आप 2 सिलेंडर यहाँ पर रखिए, अपना काम कीजिए, एक अच्छी किचन। तो दोस्तों किचन के बाद हम बढ़ते हैं अपने सेरे की तरफ, ये जो है आपका डाइनिंग में ही है, डाइनिंग में आपको एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाता है, होना भी चाहिए। छोटी मोटी स्टोरेज आपके घर के में हो, आसपास अलग से हो, तो जितना भी सामान होता है बिखरा हुआ आराम से आ जाता है। और इसके साथ ठीक यहाँ पर हमारे पास स्टोर है, प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाती है, इसके पीछे आपकी डक्ट्स है तो स्पेस यहाँ पूरी रहेगी आपके पास। और ठीक हम इस तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है हमारा बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी अच्छी स्पेस है। और दोस्तों जितने भी दरवाजे आपके रहेंगे सारे के सारे टीक रहेगी आपकी, एक अच्छा डिज़ाइन के साथ आपकी जितनी चौखट रहेंगी सारी हॉल की रहेंगी। और जैसे अंदर आते हैं तो हमारे पास एक शानदार सा हमारा बेडरूम आया था जो कि 16x11 का रहेगा, काफ़ी अच्छा साइज़ है। 16 फीट का मतलब ये हो जाता है कि आप जो सामान यहाँ रखना चाहते हैं, जितना सामान आप रखना चाहते हैं वो रखिए, आपका 6x6.5 का किंग साइज़ बेड आ जाएगा। उसके बाद जो 10 फीट की जगह है उसको जैसे आप चाहें वैसे यूज़ कीजिए, सीलिंग पर अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा, सिंपल सा सॉपर सा डिज़ाइन है। और ठीक आपके बेड के सामने आपके पास एक टीवी पैनल एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ मिल जाएगा। और ठीक इस तरफ आपके पास स्लाइडर डोर्स के साथ आपको जो है वार्डरोब मिल जाएगी सीलिंग की हाइट तक। तो मतलब वार्डरोब आने के बाद, बेड आने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपने एक स्टडी टेबल यहाँ पर रखना है या फिर 2 चेयर्स यहाँ पर रखनी है तो वो आप इजीली रख सकते हैं। ठीक इस तरफ जो है हमारी खिड़की आ जाती है जो कि काफ़ी अच्छी हाइट की है, 8 फीट की रहेगी। और बड़ा सा आपका दरवाज़ा रहेगा, देखिए दरवाजे जितने भी हैं आउटर डोर सारे वाइब्रेट और काफ़ी अच्छी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो है सनलाइट सारा दिन आती है, तो ऐसे घरों में हमें ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हो, हर रूम के अंदर आपके खिड़की हो, तो पूरे घर के अंदर रोशनी सारा दिन रहती है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा ड्रेसिंग एरिया, और ड्रेसिंग एरिया में भी आपको जो है वार्डरोब यहाँ पर पूरी मिलती हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिलेगा सीलिंग की हाइट तक का, तो जो स्पेस है उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ किया गया है, कहीं पर कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है। और ठीक इस तरह हमारा वॉशरूम आया था जो कि अटैच रहेगा एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, जैगुआर की फिटिंग आपको सारी मिलेगी यहाँ पर डिज़ाइन के साथ मिलेगी। और ठीक काफ़ी अच्छा आपको सिंक यहाँ पर मिल जाता है, बिल्कुल जो हमने एक पूरा प्रॉपर सिंक
जो सेम हमारा आपका स्टोन हमारा वहाँ पर लगा था किचन में, वो सेम यहाँ पर लगाया है। तो देखिए खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है, तो चाहे टाइल्स के कलर हो या घर के अंदर कोई कलर हो, तो बिल्कुल अलग ही लुक है उस घर की। तो यहाँ पर लगता है कि अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हमारे लाइफ लॉन्ग है, चीज़ में क्वालिटी हो तो पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और ये दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम इस घर का, जो सेम हमारा 16 फिट का रहेगा, 16x11 का, काफ़ी अच्छा साइज़ हमें यहाँ पर मिल जाता है। अगेन बड़ी सी खिड़की हमें मिल जाती है, ठीक सामने हमारा जो है टीवी पैनल हमें मिल जाता है, सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है विद लैम्प्स, और हर रूम के अंदर जो है हम एसी के पॉइंट्स मिल जाएंगे, बेड्स मिल जाएंगे, और अलमीरा हमें हर रूम के अंदर मिलेंगे स्लाइडिंग। और यहाँ भी हमारे पास जो है वॉशरूम अटैच रहेगा, क्योंकि हर रूम के अंदर जितने भी बेडरूम और वॉशरूम्स के अंदर डिज़ाइन दिए गए काफ़ी अच्छे दिए गए टाइल्स के, क्वालिटी वर्क आपको पूरा नज़र आएगा घर के अंदर। आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये लगे कि हाँ क्वालिटी मैं थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो यही होता है, 250 गज का फ्लोर है, हर चीज़ है यहाँ पर मौजूद है। ठीक इस तरफ हमारी बालकनी जो हमने दूसरे रूम के साथ भी देखी थी, तो फ़ायदा आप देखिए कितना बढ़िया है, एक रनिंग बालकनी यहाँ से वहाँ तक पूरी 30 फीट की, और उसके बाद अलग से यहाँ पर हमारे पास एक वॉशिंग एरिया आ जाता है। तो अलग से वॉशिंग एरिया का मतलब ये है कि आपके पास जितने मर्जी कपड़े हो आप आराम से धोइए सुखाइए। और बता दो दोस्तों एरिया बहुत शानदार है, आपके बैक साइड पर जितने घर हमें यहाँ पर मिलेंगे सारे वन कनाल के हैं, तो एक अच्छा लोकेशन है। पार्क बिल्कुल पास में आ जाता है यहाँ पर, मार्केट बिल्कुल पास में है, मंदिर गुरुद्वारा साहब, स्कूल, कॉलेजेस, आईटी पार्क, हर चीज़ यहाँ पर पास में रहती है। यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको दूर लगे, बिल्कुल एक अच्छी सी लोकेशन जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। और दोस्तों ये हमारे घर का थर्ड बेडरूम, बहुत ही खूबसूरत सा ऊपर आपको सीलिंग पर डिज़ाइन मिलने वाला है। 14 फिट का हमारा ये बेडरूम रहेगा, 14x11 काफ़ी अच्छा साइज़ है ये भी। तो देखो नॉर्मली जो घर के अंदर साइज होते हैं वो 14 फुट के होते हैं, और यहाँ पर जो है जो छोटा बेडरूम है उसका 14 फुट है, तो बाकी बेडरूम तो वाकई बड़े अच्छे निकले, पूरे सीलिंग की हाइट तक हमें मिल जाती है ये वार्डरोब हमारी। और ठीक तक इस तरफ हमारे पास जो है हमारा वॉशरूम, काफ़ी अच्छा साइज, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, वुडन पैटर्न के अंदर हमें जितनी भी है सारी टाइल्स यहाँ पर मिलेंगी, और एक अच्छे डिज़ाइन के साथ हमें जो है यहाँ पर हमारा सिंक मिल जाता है, और साथ में हमारा कमोड भी। इसे बहुत ही खूबसूरती आपके घर के अंदर जो चीज़ें हैं वो पूरी प्रॉपर हैं, सिर्फ हमें फर्नीचर लाना है यहाँ पर रखना है और हमारा घर तैयार है। और बता दो दोस्तों घर हमारा जो रहेगा ईस्ट फेसिंग है, तो सनलाइट हमेशा रहेगी। उसके बाद में सामने की जो हमारी बालकोनी है फ्रंट पे जो हमें नीचे से देखी थी वो भी काफ़ी अच्छी है, पूरी 22 फीट की बालकोनी रहेगी, काफ़ी अच्छा साइज़ है। रोड हमारी जो रहेंगे सारे काफ़ी वाइड रहेंगे, उसके बाद पार्किंग एरिया जो हमारे पास रहेगा आराम से आपकी 4 गाड़ियाँ यहाँ पर लग जाएंगी, रोड की विड्थ अच्छी है, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो वो भी लग जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको कोई सुझाव हो या आप घर को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप बैठ के कॉल कर सकते हैं। और इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लूंगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।